मैं मनोज दत्त, पत्रकार लातेहार। मैं इस वक्त लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र के भीतर पंडरा गांव में हूँ। गांव जो है वो पूरा का पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है ये, और कहा जाए तो वहीं ये काफ़ी नक्सलग्रस्त इलाका भी है। आए दिन इन यहाँ के जंगलों में, गांव में नक्सली संगठनों का मूवमेंट यहाँ पर लगा यहाँ पर रहता है। और देखा जाए तो ग्रामीण की जो स्थिति है वो सुरक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ही दयनीय है। कहा जाए तो इनको ना नक्सल से सपोर्ट मिलता है, ना इनको सुरक्षा बलों से सपोर्ट मिलता है। विकास योजनाओं से देखा जाए तो यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। गांव में अब तक आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी बिजली के खम्भे तो पहुंचे हैं, मगर प्रॉपर रूप से बिजली यहां पर आज तक नहीं आ पाई है। कहा जाए तो आज तक इस गांव के लिए मुख्य पहुँच पथ तक नहीं है। ये आदिवासी गाँव मूलतः आदिवासी बाहुल गाँव है। यहाँ पर जो आदिवासियों को जो सरकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं यहाँ पर मिल पा रही ग्रामीणों को। वहीं आप देखेंगे कि नक्सलग्रस्त इलाका होने के कारण नक्सलियों का मूवमेंट यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। हाल के दिनों में ही भीतर पंडरा गांव में कुछ नक्सली मारे भी गए, और जिसके बाद काफ़ी उतल फुतल की स्थिति हुई ग्रामीणों के सामने। आए दिन नक्सली यहाँ पर गांव के इर्द गिर्द के इलाकों में कैंप करते हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर आती है और उनका नक्सलियों से सामना होता है। यदि नक्सलियों को नुकसान हुआ तो नक्सली ग्रामीणों पर ही अपना कहर बरपाती है कि आपने ही पुलिस कर्मियों को बुलाया। यदि सुरक्षा बल को नुकसान होता तो सुरक्षा बल यह कहते हैं कि तुमने सुरक्षा बलों का सपोर्ट नहीं किया, तुमने नक्सलियों का सपोर्ट किया। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के सामने काफ़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीणों की माने तो उनको जो मूलभूत जो विकास योजना है, जो सुरक्षा संबंधी सुविधा है, वो उनको नहीं आज तक उनको पाया, जिसका नतीजा है कि ग्रामीणों का विश्वास नक्सल के साथ साथ जिला प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी उठता जा रहा है। कुछ ग्रामीणों की माने तो नक्सल का मूवमेंट गांव में 4 साल 5 साल 6 साल पहले होता था, बट अब उनका जो कहना है कि वो गांव के अगल बगल वो आते हैं, मगर अब वो गांव में खाना नहीं खाते हैं, अब वो गांव में नहीं वो रुकते हैं, वो गांव के अगल बगल दूर के जंगलों में वो अपना कैंप बना कर रहते हैं। मगर वहां पर ग्रामीणों के सामने स्थिति यह उत्पन्न होती कि जब ये अपना गाय माल मवेशी जब लेकर जंगलों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है कि नहीं, यहाँ पर हमारा कैंप है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम यहाँ चले जाओ। ठीक इसी प्रकार की स्थिति जब सुरक्षा बलों का ऑपरेशन होता है उस दौरान ग्रामीणों को झेलना पड़ता है कि तुम गांव में यहाँ पर कैसे आ गए, तुमको कौन बताया जंगल में हम लोग हैं। तो कहा जाए तो ग्रामीण जो हैं वो तबले की तरह दोनों ओर से पिट रहे हैं, और जो मूलभूत जो सरकार जो दावे जो कर रही है, वर्तमान हमारी जो बीजेपी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये भी जो दावे जो कर रही हैं कि हर गांव में हम विकास करेंगे, विकास योजनाएं पहुंचाएंगे, मगर सचमुच अगर देखा जाए तो आज भी यह गांव विकास से कोसों दूर है। गांव तक ना पहुंच पथ है, ना गांव में कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ तक तो कहा जाए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से भी वंचित यह भीतर पंडरा गाँव है। लातेहार से मनोज दत्त, पत्रकार।